हाँ, अब अपने पास एग्जांपल सेकंड गिवन है, वेक्टर ऑफ ए इस वेक्टर ऑफ बी, अपने को फाइंड आउट करना है इसमें डी बाई डी टी ए डॉट बी, और सेकंड क्वेश्चन है डी बाई डी टी ए क्रॉस बी। ये सॉल्यूशन है फर्स्ट वाला। इसको दो तरीके से कर सकते हो, एक तो अपना फॉर्मूले से, एक अपन डायरेक्ट। जैसे डायरेक्ट कैसा हुआ, पहले अपन ए डॉट बी फाइंड आउट कर लें, टी आई केयर प्लस टी स्क्वायर जे केयर वन माइनस टी के केयर डॉट बी, यानी थ्री टी स्क्वायर आई केयर माइनस जे केयर टी क्यू के केयर। इनका अपन क्या करें, डॉट पर क्या आ जाएगा, ये आई ये आई, आई डॉट आई कितना होता है वन, तो टी इंटू थ्री टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इंटू माइनस वन प्लस वन माइनस टी इंटू टी क्यूब, ये कंडीशन आ गई, यानी ये हो गया थ्री टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस टी की पावर फोर, ये कितना हो जाएगा माइनस टी की पावर फोर, फोर टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर, ये ए डॉट बी आ रहा है। तो इससे कंडीशन होगी डी बाई डी टी ए डॉट बी, बोथ दी साइड टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर लें, ये डी बाई डी टी माइनस टी की पावर फोर फोर टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर, इसका क्या होगा माइनस टी की पावर फोर का फोर टी क्यूब, ये माइनस है माइनस फोर टी क्यूब प्लस माइनस टू, ये सॉल्यूशन, ये फर्स्ट है। और सेकंड मेथड अगर अपन करना चाहें, ये थोड़ा इजी हो जाएगा, वो लेंथी होगा, अगर कंपोनेंट में नहीं हो तब अपन उससे करेंगे। सेकंड मेथड क्या होगा कि डी बाई डी टी ए डॉट बी, ए कांस्टेंट बी का डिफरेंशिएशन प्लस बी कांस्टेंट ए का डिफरेंशिएशन, तो ये ए डॉट बी का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, ये ए की भी वैल्यू रख दो टी आई प्लस टी स्क्वायर जे वन माइनस टी ए, डी बी बाई डी टी सिक्सटी आई के माइनस जीरो जे के यार, इसका अपन ने टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन प्लस बी डॉट बी, अपने पास ये है थ्री टी स्क्वायर आई के माइनस जे के टी क्यू के डॉट डी ए बाई डी टी, इसका डिफरेंशियल टी के रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, आई के प्लस टू टी जे के माइनस के, क्लियर, इसके सॉल्यूशन माइनस कर लें अपन। हाँ, अब अपन देखें इसमें इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करें तो क्या आ जाएगी कंडीशन, इसका इससे कर रहे हैं माइनस जीरो प्लस जीरो कुछ भी देखे हैं ये, और वन माइनस टी थ्री टी स्क्वायर प्लस थ्री टी स्क्वायर और माइनस टू टी, और ये माइनस के टी क्यू कितना आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करें सिक्स टी स्क्वायर थ्री टी स्क्वायर माइनस के थ्री टी क्यू माइनस टू टी माइनस के टी क्यू, क्लियर, ये वैल्यू आनी चाहिए अपने सेम, ये टी स्क्वायर वाली कितनी आ जाएगी माइनस और ये सिक्स सेम आ गया। तो किसी भी तरह से फाइंड कर सकते हैं, इजी होगा अपन सिंपल फॉर्मूले से कर। ये वाला कब अप्लाई करें, जब वेक्टर ए और बी कंपोनेंट्स की यानी उसके घटक की फॉर्म में नहीं दे रखे, क्लियर, डायरेक्ट फॉर्म में करना, सेम है।
ही अब अपना ए क्रॉस बी उसका भी डायरेक्ट कर लेंगे, उससे इजीली कंडीशन आ जाएगी। ए क्रॉस बी का डेरिवेटिव फाइंड करना है तो सबसे पहले क्या करें, ए क्रॉस बी निकले, कैसे निकलेगा, डिटरमिनेंट आई कैप जे कैप के पहले ए आ रहा है तो ए के कंपोनेंट्स, ए के क्या है अपने पास, टी टी स्क्वायर वन माइनस टी। बी आ रहा है, बी के क्या है, माइनस वन और ये टी। क्लियर, अब इनका क्रॉस कर लें, आई क्रॉस ये होगा टी की पावर फाइव और ये प्लस ये माइनस माइनस आएगा, प्लस ओके वन माइनस टी माइनस जे, जे को कवर कर लो, टी को इससे करा पावर फोर, इसको इससे करेंगे माइनस माइनस वन माइनस टी और थ्री टी स्क्वायर। फिर के के लिए क्या होगा, माइनस टी और इसको इससे अप्लाई करेंगे माइनस थ्री टी की पावर फोर। फिर ये कंडीशन आ गई, अब इससे ये ए क्रॉस बी तो फाइंड हो गया, अब इसका अपन क्या निकालें, डेरिवेटिव। अब ये लेने डी बाई डी टी ऑफ ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा, डी बाई डी टी ये अपन ने ले लिया आई कैप टी की पावर फाइव प्लस वन माइनस टी माइनस जे और ये था अब टी की पावर फोर माइनस थ्री टी स्क्वायर प्लस थ्री टी की पावर टू प्लस थ्री टी क्यू प्लस के माइनस टी माइनस थ्री टी की पावर फोर। अब इसका टी के रास्ते में डिफ्रेंशिएशन कर लें तो ये आई के टी की पावर फाइव का फाइव टी की पावर फोर वन का जीरो टी का जे इसका फोर टी क्यू माइनस सिक्सटी स्क्वायर ये नाइनटी स्क्वायर प्लस के माइनस वन माइनस ट्वेल्व टी की। ठीक है, ये इजी मेथड है। और अगर ये आया अपने पास माइनस के वन और इधर क्या आ जाएगा ट्वेल्व जे वाले में माइनस सिक्सटी ये आया अपने पास है माइनस सिक्सटी और इधर माइनस ट्वेल्व टी की। क्लियर, अब सेकंड मेथड से करना हो ये नहीं कर रहे बता रही हूँ, अगर फॉर्मूले से करना चाहो डी बाई डी टी ए क्रॉस बी ए ए का डिफरेंशिएशन क्रॉस बी इनमें पोजीशन ए और बी की वही रहेगी क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता। फिर ए क्रॉस डी बी बाई डी टी डी ए बाई डी टी निकाल लेंगे। क्लियर, अलग से डी बी बाई डी टी निकाल यहाँ रखेंगे, यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट होगा डिटरमिनेंट बनेगा, यहाँ डिटरमिनेंट बनेगा तो ये लर्निंग हो जाता है। क्लियर, तो अपन डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। अपने पास से ए और बी टू कांस्टेंट वेक्टर्स ये दे रखे, वेक्टर्स तो हैं बट कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब ए और बी का डिफरेंशियल करेंगे देन वो जीरो। क्लियर, और एन कॉन्स्टेंट है, ओनली कॉन्स्टेंट दे रखा, वेक्टर नहीं है, यानी यहाँ ये एन कैसा है, स्केलर, बट वो स्केलर भी जो अदिश है वो कैसा है, कॉन्स्टेंट। आर ये दे रखा है कॉस एन टी, इसके साथ वेक्टर ऑफ ए मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन एन टी वेक्टर ऑफ बी, जब ए और बी वेक्टर्स आ रहे हैं तो आर भी क्या होगा, वेक्टर ही होगा, है ना, ये बुक में डार्क कर रहा हुआ होगा, ए और बी भी डार्क कर रहा है, और आर किसका फंक्शन है, टी का, टी कोई स्केलर है ना, टी पे कोई वेक्टर नहीं आया, तो आर इक्वल्स टू ये इस फॉर्म में आ गया, आई जे आते हैं यहाँ ए और बी की फॉर्म हो गई। अपने को प्रूफ करना है डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वेक्टर ऑफ आर इक्वल्स टू जीरो वेक्टर, यहाँ तो डाक कर रखा होगा, दो वेक्टर्स का एडिशन अगेन एक वेक्टर होता है तो वो जीरो वेक्टर है, और आर क्रॉस जे आर बाई डी टी एन ए क्रॉस बी की फॉर्म। तो जो ये दोनों प्रूफ है इसमें क्या क्या चाहिए, एक तो डी आर बाई डी टी
डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर, यानी इस फर्स्ट का दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना, डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में करें तो डी आर बाई डी टी क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना ये दो फंक्शंस u इंटू v, तो ये आ जाएगा cos nt कांस्टेंट a का da by dt प्लस a कांस्टेंट cos nt का और d by dt cos nt, सेम ऐसे u इंटू v की फॉर्म क्या आ जाएगा sin nt कांस्टेंट b का d by dt प्लस b कांस्टेंट ये एक कांस्टेंट होने के कारण इसका डिफरेंशिएशन वेक्टर की फॉर्म है, फिर a cos nt का माइनस sin nt cos का कैसे होता है और nt का m, फिर साइन एन टी डीबी बाय डी टी का जीरो प्लस बी साइन एन टी का एन कॉस एन टी, ये बताना चूंकि ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट वेक्टर्स सो डी ए बाय डी टी जीरो वेक्टर, डीबी बाय डी टी जीरो वेक्टर, ये जीरो वेक्टर हो जाएगा, ये कंडीशन आ गई, तो ये जीरो वेक्टर स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहा है तो क्या आ जाएगा जीरो वेक्टर, ठीक है, और माइनस एन ए साइन एन टी और ये प्लस जीरो एन बी कॉस एन टी, ये जीरो वेक्टर में कुछ ऐड लेस करा वो वेक्टर आ जाएगा, ठीक है, तो ये दोनों जीरो हट जाएंगे, माइनस एन ए एन बी कॉस एन टी, ये किसकी वैल्यू हो गई डी आर बाय डी टी, ये इक्वेशन सेकंड, फिर इसका अपन टी के रेस्पेक्ट में अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, उससे ये प्रूफ कर लेंगे और आर और डी आर बाय डी टी का क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे उससे ये प्रूफ हो जाएगा, फिर इस तरह का क्वेश्चन थी मार्क्स का आता है। हाँ अब अपन लेने ये आया डी आर बाई डी टी, अब इसी से डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर, यानी अगेन टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर ले तो ये क्या आ जाएगा, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगी ये यू इंटू वी से होगा बट ए कॉन्स्टेंट होने के कारण जीरो, बी कॉन्स्टेंट होने के कारण जीरो, तो अपन डायरेक्ट लिख देंगे इसका माइनस एन ए कॉन्स्टेंट साइन एन टी का एन कॉस एन प्लस ए का मैं नहीं लिख रही हूँ ए का डी वाई डी टी जीरो, ऐसे ये एन बी कॉस एन टी का माइनस एन साइन एन टी, ये आगे कंडीशन दोनों में से माइनस ये एन स्क्वायर हो गया, ये एन स्क्वायर कॉमन ले लें, ये आ जाएगा ए कॉस एन टी प्लस बी साइन एन टी, ये किसकी वैल्यू थी इक्वेशन फर्स्ट से वेक्टर ऑफ आर, ये आर था अपने पास माइनस एन स्क्वायर, ये वेक्टर ऑफ आर किससे बाय इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट से अपन ने वैल्यू रख दी, ये वैल्यू हो जाएगी वेक्टर ऑफ आर, ये क्या चल रहा था अपना डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर, इसको उधर शिफ्ट कर दें तो ये कंडीशन आ जाएगी डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वेक्टर ऑफ आर इज इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन हो गई प्रूफ, एक ये प्रूफ करना था हेंस प्रूफ, अगेन आर क्रॉस डी आर बाय डी टी, तो ये फाइंड करें अपन आर क्रॉस डी आर बाय डी टी क्या हो जाएगा, आई जे के मैं नहीं करते क्योंकि दो ही वेक्टर्स हैं, क्या था ए कॉस एन टी प्लस बी साइन एन टी क्रॉस डी आर बाई डी टी
माइनस एन ए साइन एन टी प्लस एन टी एन टी कॉस एन टी। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट ध्यान से देखना, ये सिंपल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आई जे के में रूल होते हैं एबी के नहीं। अपन क्या कर रहे हैं, इसको इससे क्रॉस प्रोडक्ट कर, क्या आ जाएगा एन कॉस एन टी साइन एन टी और ये एक क्रॉस एक ही डिविजन। फिर इसका इससे क्या आ जाएगा एन कॉस स्क्वायर एन टी ए क्रॉस बी, एक ही जैसी पोजीशन है फर्स्ट पे तो फर्स्ट पे रहेगा प्लस इसका इससे तो ये माइनस एन साइन स्क्वायर एन टी और ये बी क्रॉस ए टी और इसका इससे एन साइन एन टी कॉस एन टी बी क्रॉस बी। तो इससे क्या फॉर्म आ जाएगी अपने पास, सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, ए क्रॉस ए जीरो बी क्रॉस बी जीरो। प्रूफ के अकॉर्डिंग ए क्रॉस बी में करना है, बी क्रॉस ए को क्या लिख सकते हैं माइनस ए क्रॉस बी, उससे चेंज करा दे ए क्रॉस ए बी क्रॉस बी ये तो हो गया जीरो और बी क्रॉस ए को अपन लिख सकते हैं माइनस ए क्रॉस बी, क्लियर, उससे अपन चेंज करा दे। तो ये कंडीशन आ जाएगी ए क्रॉस ए यानी जीरो, जीरो से मल्टीप्लाई हो गया जीरो वेक्टर एन कॉस स्क्वायर एन टी ये ए क्रॉस बी, ये बी क्रॉस ए को माइनस ए क्रॉस बी ऑलरेडी माइनस है माइनस माइनस प्लस एन साइन स्क्वायर एन टी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस बी जीरो वेक्टर। इससे कॉमन निकालें, ये एन कॉमन निकलेगा दोनों से और ए क्रॉस बी कॉमन निकलेगा cos स्क्वायर एन टी प्लस sin स्क्वायर एन टी, क्लियर, ये वन और ये आ गया अपने पास n a क्रॉस b इंटू वन n a क्रॉस b, ये प्रूफ हो गई कंडीशन एंड प्रूफ। ये अपने को प्रूफ करना था r क्रॉस dr by dt की वैल्यू ये आनी चाहिए, ये प्रूफ हो गई। If vector A is differentiable, vector function of a scalar variable t, ये A क्या है differentiable यानी अवकलनीय function है किसका और vector function है किसका scalar variable t का, यानी A depend करता है t पे, यानी A का t के respect में अपन differential करेंगे वो exist होगी और वह कैसा है variable है ना, and mod of A क्या है सिंपल A, देन प्रूफ करना है डी बाई डी टी वैक्टर ऑफ ए स्क्वायर टू ए, इस पर कोई वैक्टर नहीं टू ए डी ए बाई डी टी, सेकेंड में ए डॉट डी ए बाई डी टी ये दोनों वैक्टर्स हैं वो इक्वल है सिंपल ए को डी ए बाई डी टी से मल्टीप्लाई करें। अब ये देखे हैं ए डॉट ए क्या होता है या वैक्टर ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है ए डॉट, मैं वेक्टर का सिंबल के साथ रिलेशन फाइंड आउट करेंगे पहले वेक्टर ऑफ ए इस बार ये क्या होगा ए डॉट डी क्या होता है मॉड ऑफ ए कॉस जीरो, दो सेम वेक्टर्स के बिटवीन एंगल जीरो तो कॉस जीरो आ गया, मॉड ऑफ ए कितना है सिंपल है ये कॉस जीरो बन, तो ये क्या आ गई कंडीशन ए डॉट ए या वेक्टर ऑफ ए स्क्वायर क्या आ गया अपने पास साइड टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करें। इक्वेशन फर्स्ट का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने का क्या होगा डी बाय डी टी वेक्टर ऑफ ए डी बाय डी टी ए स्क्वायर, अगर कोई वेक्टर टी पे डिपेंड कर रहा है तो उसका मॉड जो सिंपल है वो भी टी पे डिपेंड करेगा आई जे के ही काटेंगे, क्लियर, तो ये टी पे डिपेंड कर रहा है तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा टू ए डी बाई डी टी, क्लियर, ये प्रूफ हो गया फर्स्ट वाली कंडीशन। हेंस प्रूफ सेकेंड ए डॉट डी ए बाई डी टी
ए डी ए बाई डी टी। ये जो रिलेशन आया अपना, ये ले लो तुम, ये किसके इक्वल था? बाइफ्रेशन फर्स्ट, वेक्टर ऑफ ए स्क्वायर क्या था? ए स्क्वायर यानी ए डॉट ए, और ये ए स्क्वायर, ये कंडीशन थी। अपने को डॉट पे चाहिए, तो इसका अंदर क्या होगा? ए डॉट ए किसके इक्वल होगा? ए स्क्वायर। बहुत ही साइड थी क्या, रास्ते में डिफरेंशियल कर लें। क्या होगा? d by dt a dot a, d by dt a square, a constant, dot ध्यान से देखना d a by dt plus ये वाला constant dot d a by dt, और ये simple है 2a d a by dt, ये दोनों same है, twice हो गया 2a dot da by dt is equals to 2a da by dt, 2 से 2 cancel, ये proof की form आ गई। तो अगर अपन vector की form में a को लिख रहे हैं तो dot लगाना पड़ेगा, सिंपल फॉर्म में लिख रहे हैं कोई dot नहीं लगेगा इसमें, लड़की फॉर्म में, ठीक है? तो ये करें सेम बात, ये proof हो गई कंडीशन।